हेलो दोस्तों, मित्रों, प्यारों, कैसे हैं आप सभी। इंडी स्मार्ट ऐप को कैसे यूज करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, इंडी इंडियन बैंक का जो ऐप है इसको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, आइए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से आखिरी तक। और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएं ताकि हमें आपके प्यार को मिलता रहे, और कमेंट करिए अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो। इंडी स्मार्ट ऐप को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में हमारा यहाँ पे जो है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है इंडी स्मार्ट में। तो ताजा ताजा हमारा ऐप है, इसके पहले इंडियोसिस ऐप होता था, अब नया आ चुका है इंडी स्मार्ट। तो इंडियन बैंक का ये हमारा इंडी स्मार्ट नाम से ऐप है। तो रजिस्टर बटन पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का एक एग्रीमेंट आता है, जिसमें नीचे आपको ये ऑप्शन दिया जाता है आई एग्री का। तो आप टर्म्स एंड कंडीशन एंड सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके बाद में आई एग्री पे हमें क्लिक कर देना है। फॉर बेटर एक्सपीरियंस प्लीज इनेबल डिवाइस लोकेशन कहता है, तो हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। और ये हमें ले जाता है डिवाइस लोकेशन की सेटिंग में, तो हम यहाँ पे लोकेशन को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद में हम वापस बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में वापस से हमें टर्म्स एंड कंडीशन बोल रहा है एग्री करना है, तो हम यहाँ पे एग्री कर देते हैं और ओके पे फिर से हम क्लिक कर देते हैं। फिर से हम एग्री पे क्लिक कर देते हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा स्लो ऐप है, तो हो सकता है ये हमारा ले ना पा रहा हो। रजिस्टर नाउ करने के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है CIF नंबर, जो कि हमारा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपका यहाँ मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन का हमें ऑप्शन दे रहा है। तो अगर CIF नंबर हो, जो शुरुआत में आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसमें CIF नंबर अक्सर होता है, तो आप उससे लेके भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या आपकी पासबुक में ऐसे भी आप देख सकते हैं। या फिर मोबाइल नंबर आसान तरीका है, तो मोबाइल नंबर डालिए, और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमारा यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आपकी कौन सी सिम है। आप अपनी सिम देख लीजिए कि जो कि मोबाइल आपके रजिस्टर्ड है आपके बैंक से, तो हम यहाँ पे उस सिम को सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद में सेंड SMS पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में एक मोबाइल में हमें OTP प्राप्त होता है, जो कि ऑटोमेटिक यहां से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा OTP यहां से ऑटोमेटिक आ चुका है। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है, सेकंड स्टेप आता है ऑथेंटिकेशन विथ। किस चीज से आपको ऑथेंटिकेट करना है, तो सबसे आसान तरीका होता है डेबिट कार्ड का, या फिर जो आपकी पुराने फोन की M PIN है, मतलब आपने जो पहले ऐप डाला था उसमें अगर M PIN डाली थी, वही M PIN आप यहां पे डाल सकते हैं। या आप इसमें पहले अगर रजिस्टर्ड एक बार कर चुके हैं, तो आपके पास में इसकी M PIN पहले से ही होगी, तो वो M PIN भी आप यहां डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे उसको डेबिट कार्ड कर देते हैं, जो कि सही तरीका है। डेबिट कार्ड हम जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास डेबिट कार्ड है, और डेबिट कार्ड से आपको पहली बार में करना होगा। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड का हमारा पहले डेबिट कार्ड का आपको नंबर डाल देना है। इसके बाद में एक्सपायरी डेट यहाँ पे डेबिट कार्ड की डाल देना है, और इसके बाद में तीसरे में आपको जो है 4 डिजिट आपकी जो पिन है, जो कि आपने ATM PIN क्रिएट की है, उसको यहाँ पे डाल देना है। तीनों चीजें डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है सेट M PIN का। तो सेट M PIN में आपको यहाँ पे 4-6 अंक की एक M PIN यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। M PIN होती है अक्सर हमारी जो मोबाइल पिन होती है, तो मोबाइल पिन से ही हमारा लॉगिन भी होता है। तो M PIN हम यहाँ पे 6 अंक की क्रिएट कर देते हैं। एक बार आपको यहाँ एंटर करना है, और फिर से री एंटर आपको दोबारा यहाँ करना है, और दोनों चीजों में पिन डालने के बाद में हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। M PIN क्रिएट करने के बाद में दोस्तों आपके साथ सेकंड ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन पिन का। तो ट्रांजेक्शन पिन जब हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डालना होता है, उस समय हमारे पास में काम आती है ट्रांजेक्शन पिन। तो ट्रांजेक्शन पिन बहुत जरूरी होती है, और इसको आप जो है M PIN ट्रांजेक्शन पिन कहीं पे आप लिख के इसको सुरक्षित रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपको काम आए। तो हम यहाँ पे आपको एक बार M PIN ट्रांजेक्शन पिन एक बार क्रिएट करना है, और उसके बाद में सेकंड टाइम आपको वही सेम पिन यहाँ पे डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके पहले ये जान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो T PIN आप बना रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन पिन बना रहे हैं, वो 6 डिजिट की रहेगी, और उसके अंदर में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहेगा। इट शुड बी न्यूमेरिक रहेगी, स्पेस नहीं आएगा, है ना। T PIN में आपका जो है सेम नहीं हो सकता है, जो भी आपने प्रीवियसली 3 बार T PIN क्रिएट करी है उसके जैसा आपको नहीं बनाना है। एकदम नई T PIN आपको बनाना है, ट्रांजेक्शन पिन एकदम नई और यूनिक होनी चाहिए। बीच में कोई स्पेस ना डालें एवं कोई भी अक्षर ना डालें, मतलब नंबर डालना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको जो ट्रांजेक्शन पिन बनाना है, ये नहीं बनाइएगा, कोई अन्य बनाइएगा जो आसान ना हो। तो हमने यहाँ पे T PIN 2 बार डाल दी है, और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है, यूजर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपको ओके पे क्लिक कर देना है दोस्तों।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने हैं और उसका अपना आंसर डालना है। वो आंसर आपको कहीं पे लिख के रख लेना सुरक्षित, ताकि अगर भविष्य में आप अकाउंट के डिटेल भूल जाते हो और आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसके आंसर बिल्कुल वैसे ही डालना है जो आंसर आप यहाँ पे डालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह का दिया है, जैसे कि हमें वॉज द नेम ऑफ योर हाई स्कूल, है ना, हु इज योर फेवरेट ऑथर, इस तरह से आपको सवाल सिलेक्ट कर लेना है कोई भी हाई स्कूल का नाम या ऑथर। या इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है ना, पॉपुलर कार्टून आपका क्या था, या फिर नेम ऑफ योर आपके पड़ोसी का नाम क्या था। जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनमें से आप एक फेवरेट क्वेश्चन अपना सिलेक्ट कर लीजिए और करने के बाद में आपको उनके तीनों के आंसर यहाँ पे टाइप कर देना है। उसको कहीं लिख लीजिए या याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। और ये सब तीनों के आंसर क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप जब कंटिन्यू कर देते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपको ओके पे प्रेस कर देना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पे ये लॉग आउट हो जाता है। लॉग आउट होने के बाद में इस तरह की आपकी फ्रंट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं लॉगिन विद एम पिन का ऑप्शन आ रहा है, जिसपे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एम पिन अपनी डाल देनी है। जैसे आप एम पिन डालेंगे यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे बता देगा कि आपको इस ऑप्शन से ये करना है। यहाँ से आप स्कैन एंड पे करेंगे, ऊपर से आपको ये ऑप्शन अलग दिए हुए हैं जिनसे आपको कुछ कुछ इस तरह की चीजें करनी है, तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है और हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और ये हमारा पूरा लॉगिन हो चुका है दोस्तों इस ऐप के अंदर में। इंडी स्मार्ट ऐप के अंदर में आपका लॉगिन क्रिएशन हो चुका है अकाउंट का। अब एक हम क्विक सर्वे ले लेते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपको अकाउंट डिटेल का ऑप्शन मिलता है। अकाउंट डिटेल में ऑप्शन का मतलब होता है कि जो आपके अकाउंट है उसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट का नंबर क्या है वगैरह वगैरह। अकाउंट स्टेटमेंट में आप अकाउंट स्टेटमेंट अपने अकाउंट की देख सकते हैं। एम पासबुक में आप जो है अपनी पासबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल पासबुक होता है, देख सकते हैं आपको आप उसमें पूरे ट्रांजेक्शन आपके क्या हुए हैं। फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है, जिससे कि आप फंड ट्रांसफर करने अगर किसी को करना है तो उसके लिए फंड ट्रांसफर का बटन यहाँ पे हमें आ जाता है। इसके अलावा आपको और ऑप्शन भी देते हैं, क्विक एक्शन जो कि ओपन ई टर्म डिपॉजिट, मतलब अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट डालना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है। ओपन ओडी आप अगेंस्ट डिपॉजिट अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो आप यहां पे देख सकते हैं। और लोन के लिए अप्लाई करना है तो ये ऑप्शन दिया है। कार्डलेस कैश विदड्रॉ का ये ऑप्शन दिया है। यूपीआई अगर करना चाहते हैं तो यूपीआई आपको ऑन करना है तो यूपीआई में जाएंगे। इसके अलावा ट्रेवल लेजर में आपका ट्रेवल की आप टिकट बुक कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है और इंश्योरेंस का ऑप्शन है। इसी तरह से आपको बहुत सारे यहाँ ऑप्शन होते हैं जो बाकी हमें बैंकिंग ऐप में मिलते हैं, वही सारे ऑप्शन में आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। इनको आप बारी बारी से चेकआउट कर सकते हैं, जो आपके काम के हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ ऑप्शन आपको दिए हैं, जैसे कि इजी पे का है, रिचार्ज का है, यहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन करना है तो स्कैन कर सकते हैं क्लिक करके। और लिमिट वगैरह अपनी मैनेज करना है तो यहाँ चेक कर सकते हैं। व्यू साइट में आप इससे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इंडी स्मार्ट का कुछ वीडियो। अगर आपको इसमें फंड कैसे ट्रांसफर करना है, इसके अलावा अन्य क्वेश्चन आपके मन में अगर कुछ आते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो में इस वीडियो के कमेंट में आप हमें लिख दीजिए और मैं आपको वो वीडियो क्रिएट करके आपको जो है लिंक उसका आपको कमेंट में ही दे दूंगा दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों इंडी स्मार्ट ऐप कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है, हाउ टू यूज इंडी स्मार्ट ऐप ऑफ इंडियन बैंक ऐप।